रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में प्रदेशवासियों को मिली कई सौगातें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारी जन कल्याण की योजनाएं और उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित। दंतेवाड़ा राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज बारसूर थाना में 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, इनमें 5 इनामी नक्सली शामिल। पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर कर आम जिंदगी जीने और नक्सलियों का कभी साथ न देने की कसम ली। पेंड्रा मरवाही में 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज शाम से थमा प्रचार प्रसार। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला निर्वाचन ने पूरी की तैयारी। कोरोना का संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस को विशेष रूप से ध्यान रखने के दिए निर्देश। बालोद जिला के डोंडी रेंज में उत्पात मचा रहे चंदा हाथियों का दल ग्रामीणों की धान फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब घरों को तोड़ने फोड़ने के साथ अब मवेशियों की ले रहे जान। तखतपुर रिश्तों को तार तार करने का मामला आया सामने। कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार। सारंगढ़ पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखा किया जब्त। व्यापारी के मकान से 48 कार्टून पटाखा 8,20,000 रुपए की तथा अन्य मकान से 7 कार्टून पटाखा 30,000 का किया जब्त। खरसिया आईपीएल पर सट्टा खिलाते 3 आरोपी गिरफ्तार। 45 लाख सट्टा पट्टी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान और 93,250 रुपए जब्त। बेमित्रा उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के इलाहाबाद बैंक के पास पहुंचते ही पैरावट से भरे ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। ड्राइवर की सूझबूझ से दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। गौरेला अमर अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रही है। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। वे जानते हैं कि जनता में सरकार के प्रति है आक्रोश। रायगढ़ पत्नी और माँ को गांव भेजकर चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में 2 सगे भाइयों की लाश फंदे में लटकी मिली। घटना स्थल से पुलिस को मिला सुसाइड नोट जिसमें दोनों भाइयों ने स्वेच्छा से आत्महत्या करने की लिखी बात।